संस्था को और अपने फाउंडेशन को कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं पद्मश्री तो है भारत सरकार ने दिया, लेकिन जब भारत गौरव अवार्ड का नाम आता है तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि मैं भारत की बेटी हूँ और मेरे को भारत की तरफ से फिर से सम्मान मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं भारत की बेटी हूँ और मुझे इतनी सेवा करने का मौका मिला कि मैं देश प्रदेश में गई और मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ। पर जो अपने घर में और अपने देश में जो सम्मान मिलता है मुझे और उसकी जो खुशी होती है, वो खुशी एक अलग से ही होती है और वो सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ। मैं उस समाज की बेटी हूँ जिस समाज को कहीं रहने का ठिकाना नहीं होता था, कहीं जगह नहीं मिलती थी और जंगल में भटकते रहते थे इधर के उधर। घुमतू समाज की हूँ मैं, कालबिलिया समाज जिसको बोलते हैं, सपेरा समाज, घर घर जाके सांपों को नचाना, उनकी पूजा करवाना, यही हम लोगों का काम है। और मैं वो बेटी हूँ जो हमारे समाज में कोई बेटियों को जिंदा नहीं रखते थे, सिर्फ इसी कारण के वो गरीब थे और घर घर जाके सांपों को नचाते और गली कूचलों में घूमते थे, इसी डर के मारे वो अपनी बेटियों को जिंदा नहीं रखते थे और वो होते ही जिंदा ही उन बेटियों को ज़मीन में गाड़ देते थे। और मेरा भी उसी समाज में जन्म हुआ और धनतेरस को जन्म हुआ और मुझे भी समाज की औरतों ने जैसी मैं जन्मी और मुझे गाड़ दिया। और मेरी माँ समाज से खिलाफ जाके और सबसे लड़ाई करके और वो कहे कि नहीं, मेरा कलेजा का टुकड़ा मेरी बेटी है, चाहे मुझे समाज से बाहर कर देना लेकिन मेरी बेटी को नहीं मरने दो। और मेरी माँ जब मैं शाम की 7 बजे हुई और रात की 12 बजे वो धरती से और वो जंगल से मुझे वापिस खोद के निकाला और मेरी माँ को मैं जिंदा मिली, तो वे मेरी माँ का विश्वास जीता और मेरी माँ की वो हिम्मत। तो मैं हर माँ को भी यही कहना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या चलता है तो आप भी अपने बेटों को या बेटी को या जो भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, अगर माँ ये ठान ले कि मेरा बेटा या बेटी और बाप ये ठान ले कि बेटा या बेटी हिंदुस्तानी नागरिक आ रहा है इसका वेलकम करना है, तो कोई कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। और मैं उस समाज की बेटी हूँ। आज हमारा वो समाज, जब अमेरिका जाके जब मैं 85 में वापस आई तो मेरे समाज के लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे समाज में वापस लिया और ये कहा कि हमारे घर में भी गुलाबों होनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि आपके घर में गुलाबों कैसे होगा, आप तो बेटियों को जिंदा रखते ही नहीं हो। तो मेरे को प्रॉमिस किया मेरे समाज वालों ने, कहा कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में भी गुलाबों चाहिए। तो मेरा समाज और मेरी पहला जीत हुई 85 में अमेरिका जाके आने के बाद। और मेरे समाज की पहला बेटी हूँ जो मैंने डांस स्टार्ट किया और मेरे पापा मुझे साथ लेकर घूमते थे, सांपों को लेके जाते, तब इसी डर के मारे के समाज वाले मुझे मार देंगे क्योंकि मुझे ज़मीन में से वापस निकाला था, इसी डर के मारे। मेरे पापा की हिम्मत और मेरी माँ का विश्वास और उनके सपोर्ट से मैं पूरी दुनिया में घूम चुकी हूँ और मेरे समाज की पहला लड़की हूँ जिसने कालबेलिया डांस स्टार्ट किया और ये डांस मैं पूरी दुनिया में इसको फेमस किया। सिर्फ मेरे आज मेरा समाज घरों में रहते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आज मेरे समाज की पहला बेटी मेरे बेटी हुई और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको इंग्लिश एमए करवाया और एमजीडी स्कूल से उसको पढ़ाया। समाज वालों ने कहा कि नहीं, अपने समाज की बेटियां नहीं पढ़ती है। मैंने कहा पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो उसको समझदारी कैसे आएगी और वो कैसे आगे निकलेगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाई की क्या कीमत है, तो मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया और दूसरे जो बच्चे हुए उनको भी मैंने पढ़ाया लिखाया। तो मेरे समाज की पहला लड़की है जिसने पढ़ाई किया, आज वो डांसर भी बहुत अच्छी है, मेरे वाला डांस कर रही है, राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन भी है। तो मैंने पहल की, पढ़ाई की और कहते हैं ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मेरी माँ ने मुझे बचाया, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। आज मेरा पूरा समाज पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, आज नौकरियां भी कर रहे हैं, कोई वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई बैंक में नौकरी कर रहे हैं। समाज के लोग आज घरों में रहते हैं, जो गधों पे लद के डेरे घूमते थे आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। और मैं ये सोच के पहल नहीं किया था कि मुझे पद्मश्री मिलेगी या फिर मैं 165 कंट्री जाऊंगी, कुछ नहीं, बस ये था कि मुझे डांस अच्छा लग रहा है, मुझे डांस करना है, बस मुझे डांस करना है। और धीरे धीरे आप जैसों के शरण में आई, आप जैसों का जब आशीर्वाद मिला तो मेरे को आगे से आगे रास्ता मिलता गया और मैं चलती गई, मैंने पीछे घूम के नहीं देखा, बस मैं चलती जा रही हूँ। आज भी मैं चलती जा रही हूँ, सबका ये आशीर्वाद मिलता है कि लड़की बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। वो आगे का ही रास्ता मैं देख रही हूँ कि मुझे आगे आगे के चक्कर में मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ, भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री देके सम्मानित किया है और आज मुझे
भारत गौरव अवार्ड मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उस समाज की बेटी हूँ जिसको शेर गांव में रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था और आज मुझे भारत गौरव अवार्ड मिल रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलवाया और भारत गौरव अवार्ड जो दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।